आश्रित को मिली सहायता राशि। अंचल कार्यालय में सीओ ने मृतक की पत्नी को दिया 4 लाख का चेक। रोहतास के डेहरी में एक सप्ताह पूर्व प्रखंड क्षेत्र के मथुरी निवासी एक व्यक्ति पर ठनका गिरने से शिवसागर में हुई मौत के बाद मंगलवार को अंचल कार्यालय द्वारा मृतक आश्रित को 4 लाख रुपये सहायता राशि के रूप में चेक दिया गया है। बताते चले कि मथुरी निवासी जंगल पासी का पुत्र अर्जुन पासी अपने रिश्तेदार के घर शिवसागर गया हुआ था, जहां 28 जून को आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी के अलावा घर में एक छोटा बच्चा है। मंगलवार को अंचल कार्यालय में मृतक की पत्नी खुशबू कुमारी को बुलाकर राशि के रूप में 4 लाख का चेक दिया गया है। इस दौरान सीओ अनामिका कुमारी के सामने खुशबू कुमारी फफक कर रोने लगी, जिसमें सीओ समेत अन्य कर्मी मृतक के पत्नी को चुप कराते हुए ढाढ़स बांध रहे थे। खुशबू का कहना था कि महज 4 वर्ष के अंदर ही उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है, जिस पर सीओ ने कहा कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, जो क्षति हुआ है उसका भरपाई तो नहीं किया जा सकता, किंतु एक सप्ताह के अंदर सहयोग से उक्त रूप में 4 लाख का चेक प्रदान कर दिया गया है। चेक राशि मिला है, क्या कहेंगे? सरकार को धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे बहुत उपकार किए हैं उनका, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का, धन्यवाद। अब ठीक से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। मैम 4 लाख रुपये की सहायता राशि मिला है। एक्चुअली अर्जुन पासी जी जो नहीं रहे अभी, तो वो अर्जुन पासी जी स्वर्गीय जुगल पासी जी के बेटे थे, मथुरी डालमियानगर थाना में आता है, वहीं के निवासी हैं हमारे अंचल के, और अब वो नहीं रहे तो सरकार की जो योजना है आपदा राहत के मामले में, तो उसी के अनुसार उनकी पत्नी हैं जो कि सबसे सही दावेदार हैं इस आपदा राशि की, सहायता की जो राशि मिली है, तो ये खुशबू जी हैं, उन्हीं को ये 4 लाख की राशि अंचल कार्यालय से अभी दी गई है। और सरकार का ये रूल है कि जब भी ये घटना घटती है तो 24 घंटे के अंदर ये मुआवजा की राशि जो उसके असल दावेदार हैं उनको दिया जाए, तो हमें इस बात की जानकारी नहीं थी, ये जानकारी मुझे कल शाम में मिली है, तो जो सरकार का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग 24 घंटे से पहले हमने इन्हें ये 4 लाख की राशि मुहैया करा दिया है, और आगे भी इनके हर परेशानी में सरकार और प्रशासन एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन साथ देगी।